हेलो एंड जय हिंद। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखना चाह रहा हूँ जिसमें मैं कुछ अच्छे रिसोर्सेज के बारे में बताऊँगा जो आपकी एसएससी सीजीएल और अदर एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू एसएससी सीजीएल में इंग्लिश सेक्शन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये वीडियो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि अमीन अहमद। ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2016 में। मेरा एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 प्लस टीयर 2 का स्कोर 504.25 है। मेरा इंग्लिश सेक्शन टीयर 1 और टीयर 2 का स्कोर आपके सामने स्क्रीन पर है, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक क्वालिफाइड हूँ ये बताने के लिए कि अच्छा स्कोर आपको लाना है 170 प्लस या 180 प्लस एसएससी सीजीएल के इंग्लिश सेक्शन में टीयर 2 में, तो हमें क्या रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, इंटरनेट आज इंफॉर्मेशन एज है तो, और इंटरनेट जियो का इंटरनेट है ज़्यादातर केसेस में, तो सस्ता भी डेटा हो गया है, तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे और अलग अलग जगहों पे। बेस्ट मेरे हिसाब से इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, अब तो बहुत ज़्यादा आने लगी हैं हर सब्जेक्ट की, लेकिन जो बेस्ट वीडियोस मेरे हिसाब से पूरे इंटरनेट पर अभी फ़िलहाल हैं वो ए के सिंह सर की, जो एमबी पब्लिकेशंस, जो बहुत फेमस पब्लिकेशन है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस पब्लिकेशन का एक यूट्यूब चैनल है, उस पे ए के सिंह सर जो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बहुत फेमस किताब है, उसके ऑथर हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। उनकी इंग्लिश क्लास से रिलेटेड प्रोनाउन, नाउन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें, ये वीडियोस आती हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है अगर आप इसको फॉलो करें तो। उसके साथ ही साथ मैंने अपने तैयारी के टाइम पे, यानी कि आज से 4-5 महीने पहले तक, मैंने एसएससी अड्डा की के डेली क्विजेज करता था विद सॉल्यूशंस, और जो नहीं हो पाते थे उनको मैं लिख लिया करता था, जिससे मुझे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में काफ़ी मदद मिली। तो आप भी एसएससी अड्डा की डेली क्विजेज या कुछ और कई एप्लीकेशंस हैं सिमिलर टाइप की, ग्रेड अप है और टेस्ट बुक है, इनका भी आप कर सकते हैं। मैं ये सारे लिंक्स, एक चीज़ है कि ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो ताकि आपको खुद ना महसूस करना पड़े, सॉरी, ताकि आपको खुद इसे ढूंढना ना पड़े फिर, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जाएगा। तो आप एक एस्पिरेंट हैं, तो मैं मानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक एस्पिरेंट हैं, और अगर एस्पिरेंट का अगर टाइम इधर खर्च हो तो इससे अच्छा है कि उसका पढ़ाई के कामों में ज़्यादा खर्च हो। फिर यूअर्स महबूब का एक के नाम से एक वर्डप्रेस ब्लॉग है जिसमें आपको जितनी सारी किताबें, आपको जाहिर सी बात है आप हर किताब ख़रीद नहीं सकते हैं, तो जो मेजर बुक्स हैं एसएससी सीजीएल इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में इस ब्लॉग पर मौजूद हैं, आप ख़रीदने से पहले डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये मैंने भी रेफ़र की, इसके बाद मैंने कई किताबें, पहले उसके पीडीएफ फॉर्मेट देखने के बाद, चैप्टर्स देखने के बाद मैंने किताबें वो ख़रीदी, या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो पीडीएफ से आप काम चला सकते हैं। तो ये बुक्स के लिए अवेलेबिलिटी के लिए पीडीएफ में, ये आप इस ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। फिर मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि व्हाट्सएप से ज़्यादा बेहतर एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, या कंप्यूटर पे भी आप लैपटॉप पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें मैं बहुत वेल पिक्ड और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश करता हूँ कि मैं बेस्ट कंटेंट उसमें जो है आप लोगों तक, एस्पिरेंट्स तक पहुँचा पाऊँ। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन एज अ पीडीएफ या फिज़िकल कॉपी केडी कैंपस के पुराने टीयर 2 मॉक टेस्ट मिल जाएँ तो वो मोर देन एनफ हैं काफ़ी हद तक टीयर 1 की तैयारी के लिए, यानी कि टीयर 1 जो आपका होगा उसमें ये जो टीयर 2 के मॉक टेस्ट इंग्लिश के हैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ यहाँ पर,
इंग्लिश के जो टीयर टू के मॉक टेस्ट हैं वो आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि वो हर चैप्टर से होंगे इंग्लिश के। तो ये सारी चीज़ें ब्रॉड में हैं आपका। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है, फीडबैक आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और वो फीडबैक या वो सजेशन, क्वेरी, फीडबैक है, कोई क्वेरी है आपकी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन और आपकी ज़िंदगी आगे खुशियों से भरी रहेगी।